गुड मॉर्निंग सबको। बहुत दिनों बाद आज जो कर रहे हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। तो भाई सुबह के बज गए 7:12, देख सकते हो 7:12, और मैं निकल चुका हूँ। आज सुबह सुबह अब मैं बैडमिंटन करता हूँ तो निकल गया हूँ, ठीक है। और रोड कुछ ऐसा है, बैडमिंटन करता हूँ सुबह सुबह निकल गया मैं। अब क्या कहते हैं, और आज क्या कहते हैं उसकी ड्राई क्लीन भी करानी है, गंदी ज़्यादा हो रही है, चटनी वगैरह गिर जाती है ना, गंदी हो रखी है, तो ये भी करानी है, कंपनी में ही होगी सारी। और जैसे ये पार्ट है ये डल पड़ गया स्क्रैच लग लग के, इस पर वो होगा वारंटी में शायद, अगर ये चेंज हो जाए तो अच्छी बात है, अगर चेंज तो कराना। इतना गंदी चीज़ देख लो कैसे डल पड़ गया और ये कैसे चमक रहा है। तो भाई चलते हैं, हीटर चला रखा है ऊपर से, देखो ठंड में ना टर्बो कहते हैं ना वो, आप हर उसको वो स्कोडा स्लाविया और टाइकून वर्टेस में और कुछ एक में ये दो इंजन आ रहे टी एस आई 1.5 1.0 दोनों में, क्या देखो ये ना उठता नहीं है। अभी मैं 10 मिनट हो गए मुझे इसे, 10 मिनट, हाँ 10 मिनट से ज़्यादा हो गई गाड़ी को स्टार्ट करे, और 3-4 मिनट हो गई चलते हुए मुझे, और अभी तक ना इसका 90 पे नहीं गई, तो ठंड में थोड़ा टाइम लगता है इसे। और आज इसकी ये बात करके आएंगे, देखो काम ही नहीं कर रहा, रिफ ओवर चलाना कुछ काम ही नहीं कर रहा, देखो ये दिक्कत आ रही है, ये एक चेक करानी है सुबह सुबह, ऐसी दिक्कत आए ना बहुत गंदा लगता है, कुछ दिख रानी है मुझे, फोन में दिख रहा है वैसे ही वो फोग ज़्यादा है शीशे पे, तो कोई काम ही नहीं कर रहा, दिक्कत है। वही चल चलते हैं, पहुँच के मिलता हूँ। बैडमिंटन मैंने कर ली थी, ठीक है, देख लो टाइम 9:55 हो गए, 9:30 बजे शोरूम खुल जाता है मेरे हिसाब से, तो खुल जाता है स्कोडा का, ये आ गया स्कोडा शोरूम, चलते हैं अंदर और करवाते इसकी ड्राई क्लीन वगैरह। शोरूम देखो कैसी गंदी से दवाई, यहाँ पे सारे शोरूम हैं, हुंडई के हैं, क्या नाम है, मारुति के भी है, टाटा के भी हैं, ये आ गया स्कोडा का हाइट में, ये आ गया आपका, देखो भाई ये आ गया, घुस के फिर बात करते हैं आपसे। बस 1 किलोमीटर आया हूँ मैं अभी उससे सर्विस सेंटर से, और भाई एक मैंने ये एसेसरी लगवाई है अभी, देखो ये तीनों पैडल हैं ऑटोमेटिक में, तो चलो ऑटोमेटिक के भी आते हैं मैनुअल के भी आते हैं, मैंने मैनुअल वाले लगवाया है, मैनुअल गाड़ी है ना अपनी, लगवाई है कुछ 750 रुपये की या 800 रुपये की ऐसी कोई एसेसरी है, 699 या 799 ऐसी। और एक मैंने स्कफ प्लेट लगवाई है यहाँ पे डोर के, वहाँ पे वो स्लाविया की दो आती है, दो का सेट है 1350 कुछ का, 1349 कुछ ऐसा ही वे लगवाया है। और तीन बज गया, ड्राई क्लीन हो गई है गाड़ी की, हल्की की सीट गीली है, पर मैंने वो कह दी भाई पन्नी डाल दो मुझे घर पे भी जाना है यार, लेट हो जाएंगे फिर। सुबह आ गया था मैं इनके पास 10:15 बजे के आसपास, तो 3 बज गए हैं, अब चलते हैं लेके। मैंने ही थोड़ा टाइम लगवाया कि भाई सूख जाएंगे और हो गया। और भाई क्या साफ करी है इन्होंने, देखना कैसे चमक रही है, करवाई है मैंने सामने खड़े होकर करवाई है, और तो मतलब ये जो सामने ये लग रहा है ग्लोसी वगैरह इस पर, ग्लोसी देखो ये तो डल पड़ा हुआ है, ये ग्लोसी तो है ना इस पर, तो मैंने कहा भाई पहले गीला कपड़ा मारो फिर सूखा वो टिश्यू पेपर मारो और फिर होगा, तो देखो कैसे चमक आ रही है इसमें, शीशा लग रहा है बिल्कुल। भाई ये काम था, घर चलते हैं और फिर बताते हैं आपको। और ये कुछ बिल था, ये बिल आया मेरा 2050 रुपये कुछ का बिल आया है ये मेरा, वही तो मैंने पैडल लगवाया। और ये चलते हैं अब घर पे, और घर पे जाके मिलते हैं आपसे, बाहर से भी चमक रही है गाड़ी, ये तो बात है, आप अच्छी जगह या बाहर भी धुलवाते हो अच्छी जगह तो चमका के देते हो, तो कंपनी में तो भाई है ही अच्छा काम, स्कोडा तो है ही बहुत बढ़िया। चलते तो जाम लगा हुआ है यहाँ पे, तो देखो कैसे आया है स्विफ्ट वाला, देगा यहाँ पे तो जाम लगा हुआ है नीचे, कौन घुसेगा फ्लाईओवर पे चढ़ के, मतलब वहाँ चौक से यू टर्न लेके चल पड़ेंगे। चलते हैं फिर, मिलता हूँ आपसे आगे, कुछ होगा तो दिखाने का दिखा देंगे, फोकस भी नहीं करता ये फोन, देखो अभी पावर स्लाब है 1000 cc में, ऐसे पकड़ती है सी तो ये मज़ा आ जाता आदमी। तो भाई अभी अभी नहाए हैं, देखो अब रजाई में घुस गए हम अपनी, डबल कर ली मैंने, अभी ना के बाहर आया हूँ और ब्लॉक को एंड करते हैं यहीं पे। दोपहर आज गाड़ी ले गया तो
कंपनी में, फिर वो पता ही बैडमिंटन के बाद डायरेक्ट कंपनी में गया था, तो नाना तो था ही। 9 बज गए, लेट ही ना है आज तो मैं, 9:10, 9:05 हो रहे हैं। तो व्लॉग कहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।